हेलो पिला माने, आजिर बीजगणित शिक्षादान कार्यक्रम को तुम समस्त स्वागत। पिलाए गत अध्याय रे आमे परिमेय संख्यार घनत्व विषय रे जानिथिले। दुईटी परिमेय संख्या मध्यरे असंख्य परिमेय संख्या निर्णय करिवार पद्धति विषय मध्ये सिखिथिले। ताले चालो पिलाए आज आमे परिमेय संख्यार दशमिक रूप विषय रे पढ़िबा। मन कर गोटे परिमेय संख्या p by q एठारे निया जाइछि x equal to p by q, जेउठारे कि q greater than 0, अर्थात हर गोटे धनात्मक पूर्ण संख्या, p गोटे पूर्ण संख्या, q गोटे पूर्ण संख्या, q greater than 0, जेउठारे कि p हेउछि लब एवं q हेउछि हर, एहा गोटे भग्न संख्या एवं गोटे परिमेय संख्या मध्य। ते पिलाए एठारे जो p by q लेखा जाइछि एहार अर्थ कोन? एहार अर्थ हेउछि p को q द्वारा भाग करा जायछि एवं ए p को q द्वारा भाग करिवा फल रे केउ क्षेत्र रे भाग क्रियार परिसमाप्ति घटी थाए एवं केतेक क्षेत्र रे भाग क्रियार परिसमाप्ति घटी न थाए। चलो पिलाए आमे केतेक उदाहरण नेबा एवं देखिबा केउ क्षेत्र रे भाग क्रियार परिसमाप्ति घटुचि एवं केउ क्षेत्र रे भाग क्रियार परिसमाप्ति घटु नाही। एठारे केते गुडी परिमेय संख्या नेबा, मने कर गोटिए परिमेय संख्या 1/2, अन्य गोटे परिमेय संख्या 1/4, अन्य एक परिमेय संख्या 1/3 एवं आउ गोटे परिमेय संख्या 5/6। ए प्रति क्षेत्र रे आमे भाग क्रिया करी देखिबा। प्रथमे 1/2 अर्थात 1 को 2 द्वारा भाग करा जाए, ते भाग करले आमे भागफल कोन पाइबा? हरे 0 1। एबे देखो 1 को 2 द्वारा तो भाग करि परबा नहीं, तेनो एठारे आमे दशमिक बिंदु दबा एवं एठारे लिखबा 0। वर्तमान 10 को 2 रे भाग करले 5 एवं भागशेष केते आसला बिलाए? भागशेष 0, अर्थात भाग क्रिया रो परिसमाप्ति घटिला, तेनो हमको 1/2 रो मूल्य मिलला 0.5। एबे द्वितीय परिमेय संख्या विषय रे चिंता करो, जहार कि मूल्य हेउची 1/4, अर्थात 1 को 4 द्वारा भाग करिबा। तबे भाग क्रिया आरंभ करिबा 0 0 1, वर्तमान दशमिक बिंदु दबा 0 10, 10 को 4 रे भाग करले 4 दुगुणे 8 2, वर्तमान पुनि थरे 0 दबा, एबे 4 5 20, भागशेष केते आसला पिलाए? 0 आसला। ते 1/4 रो मूल्य हमको केते मिलला? 1/4 इज इक्वल टू 0.25। एबे तृतीय परिमेय संख्या विषय रे चिंता करिबा। तृतीय परिमेय संख्या टी कोन रहिची? 1/3। तबे 1 को 3 द्वारा भाग करिबा, एठारे देबा 0 0 1, वर्तमान दशमिक बिंदु दबा 1 पाखरे 0 लेखिले हमर 10 हे गला। बे 10 को 3 रे भाग करिबा, पणिकिया त पढिचो पिलाए, एबे केते 3 3 9, भाग 1, वर्तमान पुनि थरे 0 दबा, पुनि 10 को 3 रे भाग करले पुनि थरे 3 3 9, पुनि थरे 1 0, पुनि थरे 3 3 9। एई भले आमे जेते भाग क्रिया करले मध्य भाग क्रिया सरी जीव कि भाग क्रियार परिसमाप्ति घटिबो नाही, किंतु भागफल केते आसीछि 0.33। एई भली आमे जेते समय भाग क्रिया करले मध्य सेई 3 ही बारंबार पुनरावृत्ति हेबो। पर शेष परिमेय संख्या विषय रे चिंता करिबा 5/6। 5 को 6 रे भाग करिबा 0 0 5, वर्तमान दशमिक बिंदु दे दबा 0। एबे 50 बा 50 को जदि आमे 6 रे भाग करिबा तबे केते लिखिबा? 6 * 48, 2 पुनि थरे 0, एबे 6 * 3 = 18, पुनि थरे 2 0, पुनि थरे 6 * 3 = 18, पुनि 2। एई भली भाग क्रियार केबे भी परिसमाप्ति घटिबो नाही, किंतु एठारे 5/6 रो मूल्य हमको कोन मिलला? 0.833। एई भली 3 बारंबार आसीबो। त
ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ 1/2 ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ଏଠାରେ 1/2 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା? 0.5, ଯେଉଁଠାରେ କି ଭାଗକ୍ରିୟାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଗଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1/4 ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା? 0.25, ଭାଗକ୍ରିୟାର ମଧ୍ୟ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1/3 ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଆମ ପାଖରେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା? 0.3333 ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଗକ୍ରିୟାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବା 5/6 ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା? 0.83333 ଏଭଳି 3 ବାରମ୍ବାର ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଗକ୍ରିୟାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଜାଣିଛ ପିଲାଏ, ଏଠାରେ 4 ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ 4 ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଯେପରିକି ଆମର 0.5 ଏବଂ 0.25 ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗକ୍ରିୟା ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ଯେଉଁ ବି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ସ୍ଥିର, ଏହାପରେ ଆଉ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସରନ୍ତି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ସସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1/3 ମିଳିଥିବା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା 0.3333 ଏଇଭଳି ଏବଂ 5/6 ର ଦଶମିକ ରୂପ 0.83333 ଏଇଭଳି ଏହି ଦୁଇଟି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହା ସରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ପିଲାଏ, ଏବେ ତ ତମେ ସସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଏବଂ ଅସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଜାଣିଗଲ। ତେବେ ଚାଲ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବା ଅସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ। ମନେକର ଗୋଟିଏ ଅସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା 0.33333 ଏଇଭଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା 1.42424242 ଏଇଭଳି। ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଏଠାରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଲେଖିପାରିବା ଜାଣିଛ? ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 0.3 ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ତେଣୁ 3 ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଦେଇପାରିବା ବା ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା 0.3 bar। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠାରେ 1.42424242 ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବା 1.42 ଉପରେ ବାର। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା 1.74365822 ଏଇଭଳି ଅସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତା କର, 0.12345678 9 ଏଇଭଳି ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ଏଇ ଦୁଇଟି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କହିପାରିବ ଦଶମିକ ପରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି? କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ବାର୍ ଆକାରରେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଅସୀମ ଅସୀମ କିନ୍ତୁ ଅଣପୌନଃପୁନିକ ଅସୀମ ଅଣପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାଏ, ତାହେଲେ ତମେମାନେ ଏବେ ତ କହିପାରିବ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେଉଁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କହିବା? ଏଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା ଅସୀମ କିନ୍ତୁ ପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା, ଯେମିତିକି 1.42 ଉପରେ ବାର, 0.3 ଉପରେ ବାର, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୀମ କିନ୍ତୁ ପୌନଃପୁନିକ ଅସୀମ
पौनापुनिक दशमिक संख्या। ताले पिलाए भाबुची वर्तमान तुम्हें असीम अणपौनापुनिक दशमिक संख्या एवं असीम पौनापुनिक दशमिक संख्या को भल भाव बुझिपारी तेब लक्ष्य कर एठारे दशमिक संख्या मूलतः दशमिक संख्या को दुई भाग में विभक्त कर दुई प्रकार दशमिक संख्या जे भली कि ससीम दशमिक संख्या एवं असीम दशमिक संख्या। पुणी थरे असीम दशमिक संख्या दुई भाग में विभक्त प्रथम टी हेउची असीम पौनःपुनिक दशमिक संख्या एवं अन्य टी हेउची असीम अणपौनःपुनिक दशमिक संख्या। ताले ससीम दशमिक संख्यार गोटे उदाहरण कहीपर कि पिलाए जेकोसी दशमिक संख्या जदि मुँ ने जीरो पॉइंट फाइव सेभेन यह ससीम दशमिक संख्या एवं जदि गोटे असीम दशमिक संख्या विषय चिंता करवा वन पॉइंट टू थ्री यह गोटे असीम दशमिक संख्या एवं असीम दशमिक संख्या को आम जो दु भाग में विभक्त करे प्रथम टी हूँ असीम पौनःपुनिक जहाँकि जदि उदाहरण नवा जीरो पॉइंट 3333 आसवे लिखिपर जीरो पॉइंट थ्री उपरे बार कि असीम अणपौनःपुनिक कौन गोटे उदाहरण नवा वन पॉइंट फोर थ्री टू फाइव सिक्स एठार संख्या गुड़िक असीम कि कौन सी संख्या बारंबार पुनरावृत्ति होना प्रत्येक ससीम दशमिक भग्न संख्या एवं प्रत्येक असीम अथच पौनःपुनिक दशमिक भग्न संख्या गोटे गोटे परिमेय संख्या। ताले आमे आलोचना जे कर दशमिक संख्या से मध्यरु समस्त ससीम दशमिक संख्या गोटे गोटे परिमेय संख्या एवं असीम किंतु पौनःपुनिक से संख्या गुड़िक गोटे गोटे परिमेय संख्या किंतु जो संख्या गुड़िक असीम किंतु अणपौनःपुनिक जमती कि वन पॉइंट फोर थ्री टू फाइव सिक्स यही मुझे कहली ना पिलाए एठारे कौन सी संख्या बारंबार पुनरावृत्ति होना एगुड़िक असीम अणपौनःपुनिक किंतु यही संख्या गुड़िक परिमेय संख्या नुहंती। तो वर्तमान आम आलोचना करवा केवल परिमेय संख्या विषय अर्थात केवल ससीम दशमिक संख्या एवं असीम अथच पौनःपुनिक दशमिक संख्या विषय आलोचना करवा। ताले पिलाए चल आम केतक दशमिक संख्या नवा एवं यार परिमेय रूप निर्णय करवा जमीती एठार गोटे प्रश्न दि जाए जीरो पॉइंट फाइव एट परिमेय रूप निर्णय कर ताले एठारे दशमिक संख्याटी कौन पिलाए जीरो पॉइंट फाइव एट यही दशमिक संख्या को जदि आम परिमेय संख्यार परिणत करवा तेब कौन हम लक्ष्य कर दशमिक पर संख्या दुईटी कौन कौन अच्छी फाइव एट एवं यह रही लब स्थान अर्थात फाइव एट फिफ्टी एट डिवाइडेड बाय तले हर से कौन रही वन रही लक्ष्य कर दशमिक पर कतोटी संख्या अच्छी एठारे दशमिक पर दुईटी संख्या अच्छी तेणु एठारे वन रे दुईटी जीरो रहिबो तेणु एठारे जीरो पॉइंट फाइव एट दशमिक संख्यार परिमेय मूल्य होची फिफ्टी एट बाई वन हंड्रेड। एबे फाइव पॉइंट सेभेन उपरे बार परिमेय रूप निर्णय करिबा तेबे कहिले पिलाए ए जो 5.7 उपरे बार एटी ससीम दशमिक संख्या ना असीम दशमिक संख्या ठीक कहिछ पिलाए असीम अथच पौनःपुनिक दशमिक संख्या तेबे चलो यहार मूल्य निर्णय करिबा एठारे नबा 5.7 उपरे बार दशमिक संख्या को मने कर आमे एक्स बोली नबा तेबे आमे लेखिबा मने कर एक्स इज इक्वल टू 5.7 उपरे बार अर्थात 5.7 उपरे बार यार मूल्य 5.7777 एभली 7 बारंबार पुनरावृत्ति होइछि। एबे जदि x रे आमे 10 गुणन नबा अर्थात आमे जदि x को 10 रे गुणन करिवा ताले केते लेखिबा 10 × x तबे 10 × x बा 10x रे मूल्य केते आसीबो 10 × x बा 10x इज इक्वल टू 10 × 5.7777 एई भली ताले पिलाए आमे कौन पाइबा 10x इज इक्वल टू 10 × 5.777 यार मूल्य केते आसीबा पिलाए 57.7
सेभेन 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 यही आस बर्तमान लक्ष्य कर टेन एक्स मूल्य के 57.777 अर्थात दशमिक पर 777 केवल अच्छी जो एक्स नहीं एक्स रूल्य कौन अच्छी 5.7777 बारंबार दशमिक पर 7 पुनरावृत्ति होती बर्तमान आम कौन करवा 10x रु x माइनस करदे तर 10x रा मूल्य केते पिलाए 57.777 एई भली माइनस x रा मूल्य 5.777 एई भली माइनस करबा द्वारा कोन हबो पिलाए दशमिक परवर्ती संख्या गुडी को कटि जीवो नै तबे बे 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू मूल्य केते आसीबो 52 दैट इंप्लाइज हमको एक्स रूल्य निर्णय करार अच्छी दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वाल टू 52/9 आम एक्स क्या नहीं पिलाए 5.7 उपर बार को आम नहीं एक्स तेज बर्तमान आमको एक्स रूल्य मिलगला तेल आम कौन लिखिपर अतए 5.7 उपर बार दशमिक संख्यार परिमेय मूल्य हो 52/9 बुझिपारा ना पिलाए अन्य एक दशमिक संख्यार परिमेय मूल्य निर्णय करवा दशमिक संख्या 1.32 बार तो पुणि थे आम यह एक्स बोली नेबा मन कर एक्स इज इक्वल टू 1.32 बार 32 बार अर्थ हो 32 बारंबार बारंबार पुनरावृत्ति हो अर्थात यार मूल्य कौन 1.32 यार दस गुण ना तो कौन लिखा 10x जैक 10x इज इक्वल टू 10 × 1.32 तेज कौन पाइबा 10x इज इक्वल टू 10 × 1.32 यार मूल्य के पिलाए 13 अर्थात जितेबाला आम 10 रे गुणन करुचे दशमिक परवर्ती संख्या कौन अच्छी दशमिक पर प्रथम संख्या केते अच्छी पिलाए 3 यह 1 पाक को पलाए अर्थात 13.2323 एभली हेबो तबे लक्ष्य कर आमर एठारे रहिछि दशमिक पर 3232 किंतु जब आम 10x निर्णय कले एठारे दशमिक पर कौन रही पिलाए 2323 तेनाली माइनस कले दशमिक परवर्ती संख्या गुड़िया कटिबो नाही तेणु आम कौन करवा बर्तमान 100x निर्णय करवा 100x इज इक्वल टू कौन करवा 10x रे इंटू 10 करदे तेज 100x रा मूल्य कौन आस दशमिक पूर्व को आ गोटे संख्या पलै आस 132.32 अच्छी एवं x जो नहीं x रा मूल्य 1.3232 अच्छी एबे आमे 100x रु x माइनस कर दबा तबे केते आसीबो 132.3232 इफली माइनस x रा मूल्य केते अच्छी पिलाए 1.3232 अच्छे तेब कह पिलाए 100x रु x गले 99x इज इक्वल टू 132.3232 माइनस 1.3232 अर्थात के 131 दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 131/99 तेल आम कौन पाइले पिलाए अतएव आमको दि जा दशमिक संख्या 1.32 र बार यार मूल्य इक्वल टू 131/99 आउ गोटे दशमिक संख्यार परिमेय रूप निर्णय करवा संख्या 0.712 बार रही आम एक्स बोली नवा मन कर x इज इक्वल टू 0.712 बार
अर्थात यार मूल्य कौन हम पिलाए 0.7 1 2 1 2 10x मूल्य निर्णय करिबा ताले 10 × x इज इक्वल टू 10 × 0.7 1 2 1 2 1 2 दैट इम्प्लाइज 10 × x 10x इज इक्वल टू एठार मूल्य कौन हम दशमिक संख्या डाहन को घुंची जीव दशमिक बिंदु टी तो मूल्य आस 7.12 1 2 1 2 1 2 एबी 10x रे मूल्य निर्णय करबा परे आमे देखिले दशमिक परे 1 2 1 2 अछि किंतु x रे कोन अछि 0.7 1 2 1 2 अछि तनो एठारे हमकु माइनस बा वियोग करले हेबो नै आमे 100x निर्णय करबा तले 100x केते हबो पिलाए पुनि थरे दशमिक बिंदु आगु टी स्थान डाहन को घुंची जीव 71.21 2 1 2 1 2 1 हम पुणि थे आम दशमिक पर जो संख्या गुड़िक रही सामान आई तेणु आमको ये 1000x मूल्य निर्णय करने पड़ो अर्थात यह पुणि थे 10 रे गुणन करने पड़ो तेज 1000x मूल्य 712.1212 लक्ष्य कर 1000x रे दशमिक परे 1 2 1 2 1 2 बारंबार पुनरावृत्ति होई छी एवं 10x रे मध्य 7.1212 एभली पुनरावृत्ति होई छी तबे आमे एठारे 1000x माइनस 10x रा मूल्य निर्णय करबा तबे केते आसीबो 712.1212 एभली माइनस 10x रा मूल्य 7.1212 एभली तो 1000x माइनस 10x रा मूल्य 990x इज इक्वल टू 712.1212 माइनस 7.1212 यार मूल्य केते आसीबो पिलाए 705 तबे हमको तो x रा मूल्य दरकार तले x इक्वल टू 705/990 तले हमें कौन पाइले पिलाए आमको दिया दशमिक संख्या 0.712 पर बार यार मूल्य आसला 705/990 तारे पिलाए यही दशमिक संख्यार परिमेय रूप तो आम निर्णय कले ताले पिला माने आमे आज कौन सीखिले आमे परिमेय संख्यार दशमिक रूप विषय जानिले अर्थात परिमेय संख्या को किभली दशमिक संख्यार प्रकाश करिहेब से विषय जानिले एवं दशमिक संख्या को केउभली परिमेय संख्यार प्रकाश करिहेब से विषय जानिले ताले पिला माने आज पई एतिकी बाय बाय।